आज मैं बना रही हूँ एग ऑमलेट रेसिपी। ये एकदम फ्लफी है, इसको आप बहुत आसानी से घर पर बना पाएंगे। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, एक प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता ले लिया है थोड़ा सा, और यहाँ दो हरी मिर्च कटी हुई। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाल दी है नमक और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और इसमें हम एक चम्मच, छोटी चम्मच जो है पानी मिलाएंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हल्दी है ये गांठे ना पड़े, तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी मैं इसमें ले रही हूँ चार अंडे। अंडा जो है आपके ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं चार अंडे ले लिया है, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं फेंटेंगे तो आपका एग ऑमलेट जो है फ्लफी नहीं बनेगी। तो अच्छे से फेंटने के बाद ये हो गया है हमारा तैयार। अभी यहाँ पे मैंने एक तवा गरम करने के लिए रख दी है, इसमें हम लगभग एक बड़ा चम्मच के करीब तेल डालेंगे। थोड़ा तेल ज़्यादा डालें, क्योंकि जब भी आप ऑमलेट बनाते हैं तो तेल अगर कम हो जाता है तो एकदम फ्लफी नहीं बनता ये, और तवे में भी चिपकने का चांसेस है। तो मैंने एक बड़ा चम्मच के करीब तेल डाल दी है, और इसमें हमारा जो अंडा का बैटर है तो इसको चारों तरफ से एक जैसा फैला लेंगे, और इसको ढक्कन लगा के लगभग एक मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। एक मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ, एक मिनट के बाद थोड़ा सा और आधा चम्मच के करीब तेल किनारे से डाल देंगे। अभी ये पक गया है, इसको सावधानी से पलटना है वरना टूट जाएगा अंडा ऑमलेट। तो ये अंडा ऑमलेट जो है दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इस तरह से हम सेक लेंगे, और इसको सेकने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक तवे पर ना रखें, तुरंत ही इसको सर्व करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।